हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 21 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी पर्सन जो मुझे मिल गए हैं जीके मैथ रीजनिंग के, और पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब कुछ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे तीनों शिफ्ट की, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। दोस्तों, ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे पेपर की, तो पेपर बहुत इजी लेवल का है, बहुत ही आसान पेपर है। मतलब बच्चे बिलीव नहीं कर रहे हैं कि इतना आसान पेपर आ सकता है क्या। तो पेपर सच में मतलब इतना ही आसान है, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों से फ़ोन पे बात करके ही मैं आपके पास जो क्वेश्चन लेके आता हूँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो पेपर आ कहाँ से रहा है, अगर आपने ग्रुप डी की तैयारी की थी या फिर ग्रुप डी के सभी पेपर का एनालिसिस देखा था, तो आपको बिल्कुल मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन 50-60% क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं विदाउट एनी चेंज। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सारी PDF की, तो ग्रुप डी की सारी PDF और सारी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी भी अगर आपने वो सारी वीडियोज़ देख ली, तो आपके मतलब ये समझिए कि 60-70% प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ग्रुप डी के एनालिसिस की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक सबसे पहला ही होगा, उसे देख लीजिएगा। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम में, अगर आपको PDF देखनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात कीजिए क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का एनालॉजी से ADHM और को लिखा गया था ZWSN। तो यहाँ पे पूछा CFJO को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सभी अपोजिट वर्ड हैं। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। M का अपोजिट N होता है। तो उसी प्रकार आपका C का अपोजिट क्या होगा, X हो जाएगा। F का क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। J का आपका Q हो जाएगा और O का L हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग का इजी सा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आपका एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था महिलाएं, माताएं और डॉक्टर, इनके बीच में एक वेन डायग्राम आपको शो करना था। तो यहाँ पे देखिए जो सभी माताएं होंगी वो सभी के सभी महिलाएं होंगी। भाई जो माताएं होंगी वो महिला तो होगी होगी, तो इसका मतलब सभी माताएं महिलाएं हो जाएंगी। और यहाँ पे जो कुछ महिलाएं और कुछ आपकी माताएं डॉक्टर भी हो सकती है। भाई जो डॉक्टर होगी कुछ तो वो माता भी हो सकती है ना, मतलब माता भी हो सकती है और महिलाएं तो महिलाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इस जो दूसरे वाला वेन डायग्राम है इससे इस तरीके से कुछ वाली कंडीशन को टच करते हुए यहाँ पे सम वाली कंडीशन बनाई है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं माताएं भी हो सकती हैं और डॉक्टर भी हो सकती हैं, और यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि सभी तस्वीरें चित्रकला हैं, कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक वेन डायग्राम बनेगा, कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है। इस तरीके से देखिए तस्वीरें हो गया, ठीक है, सभी तस्वीरें आपका चित्रकला हो जाएगी, और कोई भी चित्रकला सस्ती नहीं है। तो सस्ती आपका एक अलग से बन जाएगा, यानी कि चित्रकला और सस्ती के बीच में कोरिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या क्या है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। तो देखिए तस्वीर और सस्ती के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि चित्रकला के बीच में रिलेशन नहीं है तो तस्वीर के बीच में भी नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी तस्वीर को चित्रकला ने कवर कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे पहला राइट हो जाएगा। दूसरा है सभी चित्रकलाएं तस्वीर है, तो सभी चित्रकलाएं तस्वीर कब होगी, जब चित्रकला के ऊपर कोई तस्वीर वाला जो इसके अंदर वेन डायग्राम बना है ये बाहर बन जाएगा, तो उस कंडीशन में सभी चित्रकलाएं तस्वीर बन जाएगी। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, पहले वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरीके से YVSPM लिखा हुआ था, मतलब कि इसमें -3 की सीरीज चल रही थी। अगर मैं इससे पीछे चलूँ तो -3 इस तरीके से चल रहा था, तो M में से -3 करेंगे तो J, यहाँ पे J राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और देखिए हाँ इससे पहली दो शिफ्ट का एनालिसिस मैं कर चुका हूँ वीडियो, उनके भी लिंक मिल जाएंगे नीचे, या फिर आप चैनल पे जा करके चेक कर लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, दोनों अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे एक सीरीज 720 360 120 30 और 6 और नेक्स्ट आपको बताना था। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझा रखा है पहले से भी, अगर एक सीरीज बहुत जल्दी से डिक्रीज होती है, यानी कि 720 से 6 पे आ गई, ये बहुत जल्दी डिक्रीज हुई है, तो उसमें डिवाइड ही चलेगा, क्योंकि आप दो ही कंडीशन में डिक्रीज कर सकते हैं, या तो कुछ माइनस करके या फिर डिवाइड करके, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज कम होना तो दो ही कंडीशन में होगा ना, या तो डिवाइड होता चली जाएगी सीरीज या फिर किसी नंबर को माइनस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जल्दी जब भी डिक्रीज होगी तो डिवाइड होगा। डिवाइड किस तरीके से हुआ है, ये 720 है तो एक नंबर से डिवाइड हुआ है यहाँ पे,
इसे 720 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 720 ही आ जाएगा। फिर 720 को 2 से करेंगे तो 360, 360 को 3 से करेंगे 120, 120 को 4 से करेंगे 30, 30 को 5 से करेंगे तो 6, और 6 को 6 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे 1 इज़ द राइट आंसर। तो ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ईजी था बट थोड़ा सा दिखने में अलग सा लग रहा था। यहाँ पे अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था जिसमें आपकी एक फिगर थी, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं था बट मैं आपको इसलिए ये ऐसा क्वेश्चन लिया क्योंकि बच्चे ने बताया कि एक फिगर का क्वेश्चन था, तो फिगर में आपकी कुछ भी हो सकता है। देखिए एक त्रिभुज है, उसके अंदर आपकी जो दो लाइनें खींची हुई हैं वैसा ही, देखिए त्रिभुज का तो कोई भी चेंज नहीं होगा, अगर ये ऐसा इधर है तो वैसा ही आपका इधर बन जाएगा, बट इसमें जो लाइन का जो खेल है यही खेल है सब कुछ। अगर आप यहाँ पर मिरर इमेज को लगाते हैं, मिरर यहाँ पर लगाते हैं तो लाइनें इस तरीके से ऊपर उठी हुई है, अगर इन लाइनों को आप देखें तो इधर से भी आपको लाइनों को ऊपर से ही रखना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इसलिए यहां पे ये बन जाएगा और लाइनें ऊपर को उठ के बन जाएगी, यानी कि ये वाला राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था बाढ़, पानी और तूफान, यानी कि बाढ़ का रिलेशन पानी के साथ में, तो तूफान का किसके साथ में होगा। देखिए बाढ़ जब आती है तो पानी अपने साथ में लाती है, तूफान आता है तो हवा साथ में आती है, तो हवा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन था यहां पे कि एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं, एक समूह के सामने, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं। तो यहाँ पे इसके जो निष्कर्ष निकले वो क्या क्या है, अनेक लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये राइट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप दोबारा से पढ़िए, एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग घबरा जाते हैं, तो अनेक लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण कैसे दे सकते हैं जब यहाँ पे अनेक लोग यूज कर लिया गया है कि अनेक लोग घबरा जाते हैं, तो आत्मविश्वास के साथ नहीं दे सकते, ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाला है यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण नहीं दे सकता, तो ये कहना भी गलत होगा कि कोई भी व्यक्ति एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि एक समूह आत्मविश्वास के सामने, एक समूह के सामने भाषण देते समय उसके लोग अनेक लोग घबरा जाते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, तो ये कहना भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोनों ही ये गलत रहेंगे, राइट क्वेश्चन रहेगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था ये, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 100%, क्योंकि कॉल जो बच्चा पेपर दे के आया उसके हाथ में पेपर नहीं है, वो पेपर दे के आ चुका है सेंटर से बाहर, अब उसके दिमाग में जितनी चीज़ें बची हैं वो बता देता है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि कुछ बच्चे ही बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ अपनी ही चीज़ें पूछते रहते हैं, अपने ही फायदे में लगे रहते हैं, कभी किसी को कुछ बताते नहीं हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन बताने तो वहाँ पर बता दीजिए, किसी की हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ओवरऑल बात की जाए तो रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का रोल रहा है, श्लोक का रोल रहा है, मिरर वाटर इमेज का रोल रहा है, और आपका वेन डायग्राम आया है, क्लोक आया है, कोडिंग डिकोडिंग आई है, काउंटिंग फिगर सीरीज एनालॉजी और ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गए, अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं और वो मैंने जो आपको बताया ग्रुप डी का एनालिसिस देख के जाते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक ये मैं आपको बात बता देता हूँ यहीं पे बीच में ही कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, वो भी 149 रुपीज़ में, 149 रुपीज़ अदर स्टूडेंट के लिए हैं। अगर आप टॉपिक स्टडी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं तो आपको यहाँ पे 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसको अपने मोबाइल में भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि टाइम सेविंग। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 20 टेस्ट लगा लिए तो आपका एक क्या काम रहेगा कि आप 20 पेपर पहले से दे चुके हैं, अब 21वां आप देने जाएंगे तो 21वें में तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप सोचिएगा इस चीज़ को परचेज करने से पहले, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको परचेज करना होगा वहाँ से जाके परचेज कर लीजिएगा। चलते हैं अब मैथ पे। दोस्तों मैथ के मुझे कम क्वेश्चन मिले हैं, पर देखते हैं, एक क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे है कि एक दुकानदार सामान का मूल्य 30% अधिक रखता है और 10% की छूट देता है, इस प्रकार उसे वस्तु पर 102 रुपये का लाभ होता है, बताओ वस्तु का कितनी छूट दी। यानी कि अगर मैं बात करूँ एक दुकानदार की तो वो 30% अधिक अंकित मूल्य करता है, मान लीजिए सीपी है 100, यानी कि उसकी जो लागत का जो उसने परचेज किया कोई सामान वो उसका 100 रुपये का है, बट उस पर 30 रुपये बढ़ा के वो एमआरपी रखता है, 130 रुपये वो रख देता है, 130%।
अब उस पर 10% की छूट देता है, तो इस पर 10% की छूट यानी कि 13 रुपये की छूट हो जाएगी, तो 117% की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इस प्रकार उसे वस्तु पर 102 रुपये का लाभ होता है, इस प्रकार उसे 102 रुपये का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है 17% का, और ये कितने का दे रखा है 102 का, यानी कि जो उसे लाभ हुआ है 17% का वो किसके इक्वल है 102 के। तो यहाँ पे आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 100% का वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे वो वस्तु कितनी की हो जाएगी, जब 17% की वैल्यू आपको पता चल रही है तो 100 सॉरी ये यहाँ पे बाय मिस्टेक मतलब 120 लिखा गया, ये 102 है, ठीक है। 102 को आप 17 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 6 की 10 सॉरी 100 में करेंगे तो 600 हो जाएगा, यानी कि वो 600 रुपये की वस्तु है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे बताया बताओ वस्तु पर कितनी छूट दी, तो छूट कितनी दी है भाई, ये छूट आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 13% की, तो ये आपकी छूट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका 600 का 13% कैलकुलेट कर लीजिए, 78 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए आप इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क से, यहाँ पे बोला गया था कि ए बी सी किसकी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, ए अकेला से 24 दिन में करता है, बी अकेला से 30 दिन में करता है। पूछा कि अगर ए और बी ने मिलकर, यहाँ पे इसको पढ़िएगा पॉइंट को, ए बी ने 12 दिन मिलकर काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, छोड़कर चले जाते हैं, तो बताओ बचे हुए काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपने क्या करना है, ए बी सी का 10 दिन में, ए का 24 दिन में और बी का 30 दिन में, सभी का एलसीएम लीजिए 120 आ जाएगा। 120 को आप 10 से भाग करिए तो कितना आएगा 12, 120 को आप 24 से भाग करिए तो आएगा 5, 120 को 30 से भाग करेंगे तो 4, यानी कि ये तीनों मिलकर 12 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में। ए करता है एक दिन में 5 यूनिट वर्क, एक दिन में करता है 4 यूनिट वर्क। अब बोला यहाँ पे कि 12 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो ये दोनों एक दिन में कितना करते हैं 9 यूनिट वर्क, 5 और 4 9, और 12 दिन में कितना करेंगे 108, यानी कि 108 यूनिट वर्क इन्होंने कर लिया। टोटल 120 है, 108 माइनस करेंगे 12 यूनिट वर्क बचा। अब इस 12 यूनिट वर्क को करने कौन आएगा, अकेला सी आएगा, क्योंकि ए और बी 12 दिन वर्क करके छोड़ के चले जाते हैं। तो सी अकेला एक दिन में कितना करता है, दोनों मिलके 5 करते हैं और ये तीनों मिलके 12 करते हैं, तो 12 में से 9 को माइनस करेंगे बचेगा 3, तो यानी कि सी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, ठीक है। तो 12 को 3 से भाग कर दीजिए 4 आ जाएगा, 4 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसको बचे हुए कार्य को सॉरी सी बचे हुए कार्य को 4 दिन में कर लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन, जैसे ही और मिलेंगे मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा या फिर वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई है ध्यान से सुन लीजिएगा, एक तो टेस्ट वाली परचेज करके उसे लगाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, और एक मैंने बताया ग्रुप डी का पेपर एनालिसिस देखना, उसको बिल्कुल मत भूल जाइएगा, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 100% अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं देखना आपके प्लस पॉइंट, यार मैं खुद देख रहा हूँ कि मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। अभी देखिए ये है एक आपका क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाए, नर्मदा नदी पर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका पूछा जा चुका है। संजू मूवी का डायरेक्टर कौन है, राजकुमार हिरानी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन था आपका भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ से, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका था। आशा धातु किसे कहा जाता है, यूरेनियम को कहा जाता है। एक था आपकी आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका देखिए पूछा जा चुका क्वेश्चन है। टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म में किस अभिनेता की मूवी है, मतलब ये किस अभिनेता की मूवी, अक्षय कुमार की, यार बच्चों को पता है, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं इसी चीज़ को, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आप बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, बट आप विश्वास करिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था रियाल किस देश की करेंसी है, साउथ अरेबिया की हो गया, हो जाएगा आपका। और यहाँ पे एक CEO पूछा गया था एक्सिस बैंक का, तो शिखा शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई पूछी गई थी, तो आई थिंक 1526 है, अगर ये सही नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा, तो पेरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका 11 जुलाई हो जाएगा राइट आंसर। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे जाके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।